नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र फाटी। कृष्ण नगरी मथुरा की 280 एकड़ जमीन पर 2 जून की शाम 4 घंटे तक एक ऐसा महाभारत हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने की भी नहीं होगी। हालांकि मथुरा में हुए इस महाभारत को पहले ही रोका जा सकता था अगर समय रहते यूपी सरकार और पुलिस सही वक्त पर सही फैसला ले लेती। क्यों 2 साल से जवाहर बाग को नजरअंदाज कर रही थी पुलिस? क्या सियासी दबाव थी इसकी मुख्य वजह? इसी पर पेश हमारा आज का खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। दरअसल एक सनकी लीडर की सनक पर सवार 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ को 280 एकड़ में फैले मथुरा के जवाहर बाग से बाहर निकालना था, क्योंकि उस पार्क पर उन लोगों ने 2 साल से कब्जा कर रखा था और ये काम पुलिस प्रशासन के लिए इतना आसान भी नहीं था जितना कि इसको समझा जा रहा था। और शायद यही वजह रही कि जिस अंदाज में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसका नतीजा यह हुआ कि ना सिर्फ पूरा जवाहर बाग शमशान में तब्दील हो गया बल्कि 2 पुलिस अफसर भी शहीद हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है इस बड़ी चूक का जिम्मेदार? क्या इन उपद्रवियों को प्राप्त था सियासतदानों का कोई संरक्षण? करीब 10 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी राम वृक्ष यादव को क्यों नहीं किया गया था गिरफ्तार? क्या बड़े राजनेताओं से उपद्रवियों के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव के थे गहरे ताल्लुकात? आज हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इस अति गंभीर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृपाराम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सिंह इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमने आमंत्रित किया था लेकिन उनके पास कुछ बयान नहीं था, उनके पास शायद कुछ शब्द नहीं थे कि वो अपनी सफाई पेश कर सकें, क्योंकि इससे पहले उनके बड़े बड़े नेता पूरी तरह से फंस चुके हैं इस मामले पर, कुछ भी बनते नहीं बन रहा है, क्या बोलें क्या कहें क्या ना कहें, चौतरफा हमले हो रहे हैं, कोई बयान नहीं है देने के लिए। शायद यही वजह रही कि हमारे इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आया। खैर चलिए, तो चलिए हम अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, शुरुआत करें उसके, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जवाहर बाग की जमीन पर 2 साल पहले उपजा ये राम वृक्ष प्रदेश और देश दोनों के लिए इतना खतरनाक होगा किसी ने कल्पना तक न की होगी। सत्याग्रह के नाम पर हत्याग्रह की ट्रेनिंग देने वाले शख्स ने पिछले 2 सालों में मथुरा के जवाहर बाग में हिंसा की वो चिंगारी लगाई जिसने आज पूरे प्रदेश में आग बनकर हाहाकार मचा दिया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, जुबान पर जय गुरुदेव का नारा और सरकार के खिलाफ जहन में बगावती जहर लिए यह हत्यारे खुद को सत्याग्रही बताते हैं और इस बाग को आजाद हिंद फौज का मुख्यालय जहां रहते थे 3 से 4 हजार सो कॉल्ड सत्याग्रही। दरअसल एक सनकी लीडर की सनक पर सवार 3 से 4 हजार सत्याग्रहियों को सपा सरकार के सिपाहियों की पूरी फौज बाग से बाहर का रास्ता दिखाने गई थी, लेकिन किसको पता था कि जिसे बाग कहा जा रहा है वो किसी बॉर्डर से कम नहीं, जिसके एक तरफ असला और बारूद का ढेर लिए आतंकी बैठे हैं। जैसे ही पुलिस की टीम अपने आला अफसरों के साथ बाग में दाखिल हुई वैसे ही अंदर हिंसा का एक ऐसा दौर चल पड़ा जिसके बाद बाग से बाहर आई तो सिर्फ लाशें। पहले पुलिस तैयार नहीं थी, अंदर बैठे अपराधियों ने जब फायरिंग की तब पुलिस चौकन्नी हुई, लेकिन तब तक SP सिटी मथुरा और SHO संतोष यादव अंदर बैठे अपराधियों की गोलियों का निशाना बन चुके थे। आनन फानन में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मौके पर दर्जनों लाशों का ढेर लग गया। खबर ऊपर पहुंची तो सरकार चौकन्नी हुई और तुरंत पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आया और बाग को खाली कराने के लिए पूरी फोर्स लगा दी। बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई और जो
पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे, उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। आखिरकार लगभग 6 से 7 घंटे की मशक्कत के बाद बाग को खाली करा लिया गया और जब बाग खाली हुआ तब सामने आया सत्याग्रह करने वालों का सच। जलते जवाहर बाग के बीच से पुलिस ने हथियारों का ये जखीरा जब्त किया है जिसमें 315 बोर के 42 देसी कट्टे, 12 बोर के 3 तमंचे, 312 बोर के 4 राइफल, 315 बोर के 2 राइफल, 1 लाइसेंस वाली बंदूक, 315 बोर के 90 कारतूस, 312 बोर के 99 कारतूस और खोखे। कुल मिलाकर बाग पिछले 2 सालों से आतंक का अखाड़ा बन चुका था और सत्याग्रह के नाम पर यहां आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन बाग के बाहर सपा सरकार के अंदर इसकी किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। वो तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिसने इसे खाली करने का फरमान सुनाया, नहीं तो आने वाले दिनों में न जाने क्या हो जाता। दरअसल ये वो कथित सत्याग्रही हैं जिन्होंने 2 साल पहले 2 दिन की इजाजत पर इस बाग को धरना स्थल बनाया था, लेकिन समय के साथ साथ इसी स्थल पर ये धर जमा कर बैठ गए और मांग करते रहे, मांगे ऐसी जो गले से नीचे ना उतरे। अब ऐसे में सवाल बहुत है लेकिन सरकार के पास कुछ जवाब नहीं। ब्यूरो, सत्याग्रह के नाम से सालों तक सरकार और कानून के मुहाफिजों की नाक में दम करने वाले शख्स का नाम राम वृक्ष यादव है। ये सरगना यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। ये पहले जय गुरुदेव का शिष्य हुआ करता था, लेकिन गुरु की विरासत का दावा करने वाले राम वृक्ष यादव की जब वहां दाल नहीं गली तो उनसे अलग हो गया वो, और उसने गुरु के आश्रम पर ही हमले की साजिश भी रची। अपनी मांगों को लेकर धरने के नाम पर वो मथुरा के जवार बाग में आया और धीरे धीरे करीब 280 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस जवार बाग पर पिछले 2 सालों से राम वृक्ष यादव ने कब्जा कर रखा था उस जवार बाग की सीमा मथुरा के डीएम ऑफिस से बिल्कुल सटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा प्रशासन पिछले 2 साल से पूरी तरह से आंखें बंद किए हुए था। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसी बात को लेकर अनेकों सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार सब कुछ सरकार देख रही थी, सब कुछ प्रशासन देख रहा था, तो आखिरकार 2 साल से चुपचाप वो लोग क्यों थे। सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कृपाराम जी आपके पास आना चाहूंगा, किस रूप में देखते हैं मथुरा के पूरे इस व्याख्यान को, जो हाल वहां पर देखा है, जो मंजर वहां पर देखा है, दर्जनों लाशें वहां पर बिछ चुकी हैं, 2 अधिकारी भी शहीद हो गए, किस रूप में देखते हैं, क्या है, सरकार का फेलियर है या राजनीति है? देखिए, ये एक जो अभी आपने जिक्र किया जय गुरुदेव आश्रम का जी, ये इसकी तह में हम जाएंगे तो वो प्रकरण पृष्ठभूमि पे आएगा। पहले राम वृक्ष जी, जो राम वृक्ष है ये अपराधी जी, तो उसको लगाना ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, ये उस एक गुट में कब्जा लेने के लिए इसने सत्याग्रह शुरू किया था जय गुरुदेव वाले में, लेकिन वहां बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के रिश्तेदार ने, जो उनका ड्राइवर भी था जय गुरुदेव का, उन्होंने एक फर्जी वो बना के उस ठीक है। कृपाराम जी, आपसे मैं बात जारी रखूंगा, सीधे शब्दों में जाना चाहूंगा, क्या ये यूपी सरकार का फेलियर है या नहीं? 100% ये एक उस घटना को साइलेंट करने के लिए इन्होंने इस जो जवाहर बाग है इसकी अनदेखी करते रहे और यहाँ ये अपना खेल करते रहे, और यदि उसी समय इसको खाली करा लिया। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता किशोर प्रधान हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा में जो मंजर देखने को मिला उसका जिम्मेदार कौन है? मथुरा में जवाहर बाग में जो दर्जनों लोगों की मौत हो गई, 2 पुलिस के अधिकारी शहीद हो गए, क्या आप मानते हैं कि सरकार का फेलियर है वो? नहीं, प्रशासन फेलियर नहीं है, क्योंकि वो लोग कोर्ट की शरण में गए हुए थे, माननीय हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, जब कोर्ट ने आदेश खाली कराने का कर दिया तो सरकार ने पूरी तैयारी की, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी करने के बाद उसको खाली कराया है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जावाद जो अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और अपने प्राण निछावर किए हैं।
साहब आपने तो श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश क्यों देना पड़ा, जब सरकार इस बात को पहले ही जानती थी कि यहाँ पर वो अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो आखिरकार आप लोगों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? और सुप्रीम कोर्ट में उनकी कोई याचिका दायर नहीं हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं किशोर प्रधान जी। जवाहर बाग को जिला प्रशासन ने धरना स्थल घोषित कर दिया था, इसी का बहाना लेके वो लोग कोर्ट चले गए। जवाहर बाग को किस प्रशासन ने, किसकी सरकार में धरना स्थल घोषित किया था साहब? आज क्योंकि पहले कलेक्ट्रेट पर धरना होते थे, तो मथुरा के जिलाधिकारी ने उसको धरना स्थल घोषित कर दिया था कि आप जो भी धरना प्रदर्शन करें, 2 दिन की परमिशन लेके वो लोग उसमें रुके। उसके बाद वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। माननीय शिवपाल जी ने पूरे प्रशासन हमारे सामने, जिस समय मंजिल सैनी SSP थी, उन्होंने कहा कि इनको हटाइए, और वो व्यक्ति माननीय अखिलेश जी को गाली देता था, मुलायम सिंह जी से नागरिकता पूछता था, ये आदमी, ये इनका जो सरगना था जी। तो आप लोगों ने 2 दिन की परमिशन दी, उसके बाद 2 साल हो गए, इतना वक्त कैसे लग गया उनको खाली कराने में? उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया चलती रही, माननीय उच्च न्यायालय तक मामला चला, इसमें तो प्रशासन के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने बड़े धैर्य से काम लिया, क्योंकि उसमें बच्चे भी थे और महिलाएं, जिनको बंधक बना के रखा था रामवृक्ष यादव ने, उसकी अपनी हुकूमत चलती थी। यहाँ पर किशोर प्रधान जी एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सारा मंजर आपके सामने था, आपके पास ड्रोन कैमराज भी होते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया था, क्या पुलिस को पता नहीं था कि उनके पास इतना असला बारूद है? और बड़ी बात यह भी है, क्या आपके जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी वो आपकी काम नहीं कर रही थी वहां पर? क्या LIU का आपका फेलियर है कि वहां पर किस तरह से असामाजिक तत्व पनप रहे हैं, और पूरी ऑपरेशन जो दिया है, पूरा उसको अंजाम जो दिया है पुलिस ने, वो पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं दिया गया? प्रशासन ने एक दिन पहले, वो केवल रिहर्सल था, पर एक दिन बाद जब तक RAF आनी थी, एक दिन बाद कार्रवाई होनी थी। ये लोग तो केवल एक रिहर्सल के लिए गए थे कि वहां दूसरे दिन की तैयारी के लिए, तो तैयार उन लोगों ने पेड़ों पर जो लोग बैठे थे, जो ये लोग थे आतंकवादी कहेंगे हम तो अपनी भाषा में, जो लोग सीधे लोगों को गोलियां चला रहे हैं, तो पुलिस की तो पूरी तैयारी थी, एक दिन बाद ऑपरेशन होना था। अच्छा, यानी कि आप रिहर्सल करने के लिए जा रहे हैं, ये वाकई बड़ी चौंका देने वाली बात है कि पुलिस पहले रिहर्सल करती है कि बदमाशों को कैसे पकड़ा जाएगा, मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन BJP और कांग्रेस लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि सरकार का फेलियर है, अखिलेश यादव का ये फेलियर माना जा रहा है। ये चुनावी वर्ष है, पूरे जिले के लोग चाहते थे जवाहर बाग खाली हो जी, हर दल के लोग चाहते थे जवाहर बाग खाली हो, क्योंकि अराजक तत्व थे, इन्होंने एक साल से अधिकारियों के साथ बदसलूकी, आम जनता के साथ बदसलूकी, कितना खूबसूरत जवाहर बाग था उसको तहस नहस कर दिया था, अब खाली हो गया है, तो विरोधी दल कह रहे हैं क्यों खाली हो गया, संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे ये BJP वाले लोग, तो लाखों पर राजनीति कर रहे हैं। BJP के नेता मेरे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है संजय अग्रवाल, क्या आप मानते हो कि वो खाली नहीं होना चाहिए था? देखिए, पता नहीं क्या कह रहे हैं, इनको पता है क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं ये। देखिए, बहुत सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी हूँ इस बात में कि हमारे पुलिस फोर्स के जो जांबाज ऑफिसर थे, मैं उनके लिए बहुत दुखी हूँ कि उनको मारा गया, और एक ऐसे अपराधी के द्वारा जो 2 साल से वहाँ पर, सबको पता था कि वो वहाँ पर कब्जा किए हुए है, पूर्व में पहले भी रामवृक्ष यादव का और दूसरे जो ड्राइवर थे यादव, इनका पूर्व में झगड़ा हुआ था, पहले भी झगड़े हुए थे जब वो मर गए थे बाबा जी, तो उस टाइम पे भी नहीं, इतिहास में नहीं जा रहा। संजय अग्रवाल साहब, सीधा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि वो जवाहर बाग खाली होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या आप मानते सीधे शब्दों में? अरे 100% होना चाहिए था, जो कोर्ट ने भी आदेश इसी वजह से किया है, ये तो 2 साल तक कोर्ट का बहाना लिए हुए, वरना ये तो 2 साल पहले खाली करा लेना। कैसे आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, यूपी सरकार के ऊपर कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार का फेलियर है? भाई, इतने पुलिस वाले मर गए, ठीक है ना, अब ये जिसके घर का पुलिस का आदमी होगा उससे पूछिए कि किसका फेलियर है, उसको तो उसका तो घर उजड़ गया, उसका घर बर्बाद हो गया, अब इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि आदमी मर गए, कोई भी घटना हो गई, कोई भी घटना के बाद उसमें दुखी होने अकेले से काम नहीं होगा, वो तो जो 20-22 लोग जितने भी लोग मरे हैं उनके परिवार से पूछो ना कैसा फेलियर है। 20-22 लोग तो वो है जो उस हजारीबाग में थे, पुलिस वाले अधिकारी तो मरे, दो अधिकारी जो मरे हैं पुलिस के, एक उसमें SHO मार दिए गए, ठीक है, SP मार दिए गए। भाटी जी जी,
अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि भाई वो प्रशासन के साथ भी बदसलूकी करते थे और हमारा फोर्स तो वहाँ पूर्व तैयारी के लिए गया था, तैयारी तो अगले दिन होनी थी, आरएएफ वगैरह मंगाई थी। अब ये देखिए कितना विरोधाभास है, जब इनको ये पता था कि वहाँ इतने बदतमीज लोग बैठे हैं और ऐसे आताई बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं कि जो प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी करते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन को जो है ऐसे भेज दिया गया। वाकई किशोर प्रधान बड़ा सवाल, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि वो पुलिस वाले जो मर गए वो रिहर्सल करने गए थे, आप बताइए रिहर्सल करने गए थे, गोली खा गए। ठीक है, जवाब लेते हैं। मुकुल द्विवेदी जी और संतोष यादव जी, अन्य जगह होता आप है, उनके घर जाकर पूछिए, काम वहाँ होता है जहाँ पे अपराधी होते हैं, अपराधी जहाँ होते हैं वहाँ रिहर्सल। वो यूपी पुलिस के दो जाबाज अधिकारी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, किशोर प्रधान जी से जवाब ले लेते हैं। नमन और वंदन कर, मृतक परिवार के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, आज 50-50 लाख रुपए की घोषणा उनके परिवारों को की है और जिला प्रशासन यहाँ के सभी लोग 50 लाख रुपए से अधिकारी और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी अपने कर्मचारियों से सब इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी जितना भी आज कारगिल युद्ध में कितने लोग शहीद हुए हैं, ये तो नमन करना चाहिए, श्रद्धांजलि उनको अर्पित करनी चाहिए। लोग राजनीति कर रहे हैं इस बात पर कि हमारे दो जाबाज हमारे पचास लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए ऐसे जाबाज अधिकारियों को नहीं लौटा सकते। 50 लाख रुपए देकर आप कोई उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। उनकी आप अपने फेलोर को, आप अपने जो 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 आपसे वहां चूक हुई है, जो राजनीतिक संरक्षण आप लोगों की तरफ से राम वृक्ष को मिला हुआ था, उसमें कहीं आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप निराधार है। राम वृक्ष को समर्थन था मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश में तिवारी गुट बैठा है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सारी वो गाजीपुर से है। ठीक है, यहाँ पर किशोर प्रधान जी एक और सवाल आपसे जाना चाहूंगा। समाजवादी लोकतांत्रिक पेंशन उसको दी जाती थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो फिर किस लिहाज से उसको पेंशन दी जाती थी, कैसे अधिकारी था उसमें? उसमें तो उत्तर प्रदेश में जो लोग उस टाइम जितने भी लोग जेल गए थे उसमें अकेला राम वृक्ष नहीं था। उस समय जितने भी लोग जेल गए थे इमरजेंसी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार सबको, लेकिन आपको पता है कि जब वो इस तरह के एलिमेंट्स में शामिल हो गया है, वो इस तरह की असामाजिक स्थिति में बैठा हुआ है, असामाजिक तत्वों के साथ वो मिला हुआ है, तो आखिरकार आपने उसकी पेंशन को क्यों नहीं रोका? क्यों आप लगातार 2 साल से पेंशन आप देते हुए आ रहे थे? आपको पता था कि कब्जा क्या हुआ है और इसके बावजूद कोर्ट चला गया, आपने पेंशन क्यों नहीं रोका? मैं आपको बता दूं कि इसमें कोर्ट की बहुत लंबी प्रक्रिया रही है, जो श्रीमान जी बोल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट में 4-4 बार इसमें रेटे हुई है, इसमें हिस्से हुए हैं। भाई साहब, यहाँ हाई कोर्ट की प्रक्रिया की बात नहीं हो रही, आपने ये कहा कि वो कार्रवाई करने से पहले रास्ता बनाने के लिए गए थे, यहाँ कोर्ट की बात नहीं हो रही। जब वो खाली कराना था और ये प्रशासन को मालूम था कि यहाँ आताई बैठे हुए हैं और कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, तो इतने आधे अधूरी तैयारी के साथ ऐसे जाबाज अधिकारियों को क्यों मरने के लिए भेज दिया गया? अकेले जाबाज अधिकारी नहीं थे, उनके साथ 6 कंपनी पीएसी थी, 300 पुलिस के जवान थे, 4 2 एसएलएसी थे, 6 CO थे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने किशोर प्रधान जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सवाल यहां पर इसीलिए उठता है कि पीएसी आपके पास थी, आरएएफ आपके पास थी, कई आपके पास टुकड़िया थी पुलिस बल की, लेकिन उसके बावजूद भी कमजोर तरीके से आप लोग फायरिंग नहीं करती। इसमें निरीह बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, जिनको ये नहीं पता था कि हम लोगों को क्यों बंधक बना कर रखा गया है। आप मानते हैं कि पुलिस का इसमें कोई, पुलिस के जो अधिकारी उनका कोई फेलियर नहीं था? प्रशासन ने अपना काम किया है माननीय साहब, वहाँ के डीएम को एसएसपी को क्यों सस्पेंड कर दिया आपकी सरकार ने? मथुरा के डीएम और एसएसपी को क्यों सस्पेंड कर दिया? खबर गलत है, हमारे जिलाधिकारी डीएम कोई सस्पेंड नहीं हुए हैं अभी, हमारे कमिश्नर अलीगढ़ इसकी जांच कर रहे हैं, जो दोषी व्यक्ति होगा उसको। आपके एसएसपी, आपके एसएसपी सस्पेंड नहीं हुए? आपके एसएसपी सस्पेंड नहीं हुए? नहीं हुए।
चलिए पहले आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए किशोर प्रधान जी, उसके बाद आप अगर आगे वक्तव्य देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आपके एसएसपी का सस्पेंशन हो चुका है, वो सस्पेंड हो चुके हैं। आपके नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने पहले ही तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को तो फुटबॉल बना दिया है। यहां से यहां, यहां से यहां आप उनको फेंकते रहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से कमिश्नर अलीगढ़ बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, उनकी निष्ठा पर संदेह करना, अभी जांच से पहले इस तरह की बातें करना, ये समझ से परे है। ठीक है किशोर प्रधान जी, मैं अगर जरूरत होगी तो जवाब लेने के लिए एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। बहरहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय अग्रवाल, क्या आप मानते हैं, आप भी बोल रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, आप मानते हैं कि वाकई इस तरह का अगर कुछ होता है वहां पर सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है? बिल्कुल 100% होती है। जैसे इनके सामने देखिए, इन्होंने कितनी विवादास्पद और कैसे मतलब दुखद बातें करी हैं। इन्होंने कहा कि वो ट्रायल के लिए गए थे और साथ में ये भी बता दिया कि इतनी ढेर सारी कंपनियां भी थी। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने जो कहा उस बात को दो साल से आपसे वो कह रहे हैं, ये राज्य में ऐसा होता है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। बिल्कुल 100% राज्य सरकार जिम्मेदार है, और राज्य सरकार का आप सामने ही सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो साल से डीएम और एसपी के साथ, डीएम और वहां के लोगों का अधिकारियों के साथ वो सुन लिया, राम बच्चे यादव बदतमीजी करता था, उसके बाद संजय अग्रवाल बड़े नेता का संरक्षण था, किसी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का संरक्षण था, इसी वजह से वो आदमी वहां पर दो साल से राज कर रहा था राजा की तरीके से। और उसके अलावा भी वो जो 4000 आदमी थे, कईयों घटनाएं दो साल के अंदर आगरा मथुरा वृंदावन के आसपास क्षेत्र में तमाम राहगीर लुट गए, तमाम हत्याएं हो गई, ये सब कौन कर रहा था? ये सब वहां पर एक रैकेट चल रहा था, और ये बगैर रैकेट जो चल रहा था, ये जो डकैतों का, ये आतंकवादियों का जो पूरा फोर्सेस था, जिनके पास इतनी फोर्स निकली है, ये दो साल से वहां पर एक पूरे संरक्षण के साथ में ये सब ये कांड कर रहे थे, और ये अगर बगैर संरक्षण नहीं था तो इनको दो साल पहले कांड करने के बगैर देना चाहिए। आपकी सारी बातों को स्वीकार करता हूं, मैं सवाल आपसे लूंगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन अखिल सिंह, आपसे जरा समझना चाहूंगा, जो मथुरा का प्रकरण देखने को मिला है, जो मथुरा का रूप इस वक्त देखने को मिला है, वाकई लग रहा है कि कृष्ण की नगरी में एक बार फिर से महाभारत हो गया। क्या ये राजनीति का शिकार है, राजनीति की वजह से ऐसा हुआ है? बिल्कुल, अगर ये मथुरा की जो घटना है, तो प्रॉपर्टी, एक मिनट, अगर राजनीतिक घटना का देखा जाए, जो मथुरा में जो भी घटना घटी है उसके लिए जितना समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, उससे कम भाजपा भी जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस भी जिम्मेदार नहीं है, और बसपा भी जिम्मेदार नहीं है। सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के इशारे पर जिला प्रशासन ने वहाँ उनको धरना देने के लिए अनुमति दी थी, दो दिन खत्म होने के बाद बाकी पार्टियों ने विरोध क्यों नहीं किया, और इतना ज़्यादा विरोध क्यों नहीं किया कि उनको जवाहर बाग के बाहर निकालना पड़ता, नहीं किया जी। उसके बाद समाजवादी पार्टी का संरक्षण रहा, वो लोग धरना देते रहे, और वो जिस प्रकार की भी गतिविधियों में लिप्त थे जो अब सामने आ रही हैं, वो वहाँ पर उस तरह का षड्यंत्र चलता रहा और वो अपनी घटनाओं को अंजाम देते रहे। लेकिन अगर विजयपाल तोमर कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट ना जाते तो शायद अब तक भी जवाहर भवन, जवाहर बाग खाली नहीं होता। तो इसके लिए अगर देखा जाए पूरे प्रदेश को अब तक, तो बाकी पार्टियां अब तक चुप क्यों थी? अगर उन्होंने आवाज उठाई थी तो इतनी आवाज बुलंद क्यों नहीं उठाई थी कि समाजवादी पार्टी सरकार को झुकना पड़ता, प्रशासन को आगे आना पड़ता और इसको खाली करना पड़ता, जो हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने खाली किया। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और ये जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकती हैं। जो अब पार्टियां हो हल्ला कर रही हैं, अगर ये दो साल के दौरान इन्होंने किया होता तो शायद इतनी लोगों को जान गंवानी पड़ी, अधिकारी जो शहीद हुए, शायद ये मंजर आज देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अखिलेश जी, आपने सारे दलों को लपेटा, मैं आपकी बात से सहमत होता यदि आप वहाँ जनप्रतिनिधियों की बात करते कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, तो उस दायरे में भारतीय जनता पार्टी जरूर वहाँ फेल हुई है, और उसकी वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वहाँ के जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, उनको तो ये भी नहीं पता कि जवाहर बाग ये कहाँ है, मथुरा में है या कहाँ है। बाद में बताया गया उनको कि ये मथुरा में ही घटना घटी है और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन वहाँ जो जिस पार्टी का जनप्रतिनिधि भी नहीं है, तो वो पार्टी कैसे उसको खाली कराने के लिए बात करती, जब ये तो मांग होती है पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है कि जनता के समर्थन में, जनता के हित में आवाज उठाना। वहां रामवृक्ष यादव को प्रशासन ने दो दिन के लिए मोहलत दी और फिर वो उसको खाली नहीं करा पाए, तो इसमें कांग्रेस कहां गैर जिम्मेदार हो गई? कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी? मैं अकेले कांग्रेस नहीं, मैं सभी पार्टियों, समाजवादी पार्टी अगर उनको संरक्षण दे रही थी,
बाकी तीन पार्टियां तो भी बड़ी हैं प्रदेश में। कांग्रेस के किस नेता ने कहा था कि जाके आप उनको संरक्षण दो राम? यही विरोध, अगर हम अगर चाहते तो अगर विरोध पार्टी ये तो कहना ठीक है कि जो वहां जनप्रतिनिधि हैं जिस जिस दल के उनका वो भी बच नहीं सकते इस जिम्मेदारी से, लेकिन हमारी पार्टी को आप घसीट रहे हैं, हमारी पार्टी की बनती है, आपके भी वहां पर संगठन है, आपके भी वहां पर जिला अध्यक्ष है, आपके भी वहां पर नेता है, ऐसा नहीं। देखिए संगठन होना सिर्फ संगठनों का काम, जिम्मेदारी बनती है। अगर सोनिया गांधी के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो उसी मथुरा से चार बस भर के दिल्ली आ जाती है, उसी मथुरा को जाम कर दिया जाता है, वहां पर रैली की जाती है, नारेबाजी की जाती है। लेकिन जहां पर बात लोकतंत्र की आती है, देश की जनता की आती है, राज्य की जनता की आती है, वहां पर आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नहीं है। माननीय आप ये बताइए कि जवाहर बाग कांड होने से पहले किस राजनीतिक दल के हाईकमान को या इतने ऊंचे स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया था? कभी ये नहीं उठा, बिल्कुल नहीं उठाया गया, बिल्कुल नहीं उठाया गया। लेकिन आपकी इस बात से जरूर सहमत हूं मैं, उसके लिए संजय अग्रवाल से भी जवाब लूंगा। संजय अग्रवाल जी, वाकई बड़ी बात है, आपके यहाँ पार्टी की सांसद है हेमा मालिनी, उनको पता नहीं है कि जवाहर बाग कहां पर है। उसके बाद वो कहती है कि मैं तो शूट पर अपने में बिजी हूं, मैं एक एक्ट्रेस हूं, एक आर्टिस्ट हूं, तो पहले लिए मेरे लिए वो ज्यादा प्रायोरिटी है। ये कैसे कैसे अच्छे दिन रहेंगे भाई? ये दुर्भाग्य है। ये तो वहां की जनता ने हेमा मालिनी जी को चुना है, ठीक है, ये तो विषय हेमा मालिनी जी का और मथुरा की जनता के बीच का विषय है। बाकी ये जो घटना घटी है ये प्रशासन की पार्टी का, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। कैसे कैसे आप बात कर रहे हैं कि जनता का विषय है और हेमा मालिनी कैसे कोई लेना देना नहीं है? आप कैसे इस बात से मुकर सकते हैं कि पार्टी की, पार्टी तो गई ना, श्रीकांत शर्मा तुरंत गए, नरेंद्र मोदी जहां पार्टी की बातचीत है, कोई सांसद क्या करेंगे, क्या फायदा हुआ, कुछ लगा सकती है? श्रीकांत शर्मा गए ना वहां पर तुरंत? नहीं, श्रीकांत शर्मा सांसद है क्या वहां से? नहीं, क्या है श्रीकांत शर्मा का पद, क्या है? राष्ट्रीय सचिव से, तो वो वहां से सांसद नहीं है ना? आपकी तो सांसद की जिम्मेदारी क्या बनती है? एक सांसद की जिम्मेदारी, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एक गांव को गोद लीजिए, उसको आप विकास कीजिए, डेवलप कीजिए। वो बोलते हैं कि सप्ताह में दो दिन आप अपने क्षेत्र में देंगे। अरे भैया, कहां क्षेत्र में दे रहे हैं आप? अगर आप क्षेत्र में देते तो क्या ये हालात सामने आते? और आप बोल रहे हैं जनता और हेमा मालिनी के बीच का मामला हो गया, क्यों पार्टी भैया पीछे भाग ये है? जनता ने ही हेमा मालिनी को चुना था वहां पर, है ना? हमने थोड़ी चुना था, जनता ने नरेंद्र मोदी को भी चुना है, सरकार को भी चुना है, और जनता वापस भी उतार देगी, इस बात को भी आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे प्रतिनिधियों के लिए हम कोई बढ़ाई की बात नहीं करते। हेमा मालिनी को सब काम छोड़ करके वहां जाना चाहिए था, लेकिन आपको यह संज्ञान दिलाना चाहते हैं हम कि हेमा मालिनी ने कई बार पत्र लिख करके मुख्यमंत्री को ये कहा है कि यहाँ पर उपद्रवी रहते हैं, इनको आप संभालिए। उनको यही पता नहीं जवाहर बाग मथुरा में है कहाँ, आप पत्र लिखने की बात कर रहे हैं। मैं सत्यन जी को बताता हूँ, जिस दिन जवाहर बाग को खाली करने की प्रक्रिया चली थी करीब एक सप्ताह पहले, उस दिन मैं मथुरा में था और मेरे साथ कई लोग थे, कई चैनल्स के पत्रकार भी थे। मैं मौके ही पर था, करीब एक घटना है 1:45 बजे की, जब जिला प्रशासन वहाँ एंट्री कर रहा था जवाहर बाग में इन लोगों को हटाने के लिए, उस समय मैं मौके पर ही मौजूद था। कोई भी राजनीतिक दल उस समय वहां नहीं पहुंचा था और ना ही कोई था, जिला प्रशासन काम कर रहा, और शाम तक उस समय कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही थी। तो सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक दल इतनी देर बाद क्यों सो के जागते हैं, इतनी देर बाद क्यों सो के जागे, क्योंकि लगातार उग्र होता जा रहा था एक सप्ताह के बाद। जो घटना का अगर कल नहीं घटती तो मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रदर्शन फिर नहीं बदलता, चुनाव के माहौल को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी में जवाहर बाग खाली भी नहीं होता। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ रहा है। लेकिन संजय अग्रवाल जी, आप भी जरा गौर कीजिए और थोड़ा चेक कीजिए कि कहाँ हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। शर्मा जी, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, क्यों ना आप अपनी गाड़ी में केरोसिन ऑयल डाल दो। लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दूं? बाइक में डाल लो, गाड़ी चाहे सस्ती क्यों ना हो, बर्बाद नहीं करूंगा। पर आप अपनी और बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हो उसका क्या? मगर कैसे? इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें, मैं क्या करूं, हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। आपको पता ही नहीं एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है। अच्छा,
ऑर्गेनिक भी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हिंदुस्तान की दुनिया, हिंदुस्तान ही दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां पर अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे सियासतदान यानी कि राजनेता अपनी सियासत की रोटियां सेकने जरूर चले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सियासत ही जिन रोटियों को वो इतनी चतुराई से सेक रहे हैं उन्हें खाने के लिए भी जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। जहां एक तरफ यूपी सरकार अपनी विफलता को छिपाने में लगी हुई है तो वहीं सभी विपक्षी दल यूपी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अब खुद ही देखिए हमारे राजनेताओं की यह राजनीति। नहीं करना चाहिए, कब्जा करने वालों के खिलाफ हमेशा हमने बोला है। तो पहले तो ये अपनी छवि सुधारें, और आपको जानकारी भी होगी इनके ऊपर 13 आपराधिक मुकदमे हैं, तो सिद्ध करें और नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगे। मथुरा हिंसक कांड को तो वर्तमान सपा सरकार द्वारा बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज हमें बुंदेलखंड में नहीं बल्कि मथुरा में ही नजर आते हैं। जैसे जैसे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने का समय नजदीक आता जाएगा तो खासकर सपा और भाजपा ये दोनों ही विरोधी पार्टियां आपस में अंदर अंदर मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल उतना ही ज्यादा खराब करके इसका गलत चुनावी लाभ लेने का भी पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इस मामले की समयबद्ध न्यायिक जांच या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच होना बहुत जरूरी है, ये हमारी पार्टी की मांग है। कानून व्यवस्था किस प्रकार से टूट गई है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की सरकार कैसे निकम्मी और नाकारा है इसे दर्शाती है। उनके चाचा और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के संरक्षण प्राप्त गुंडों ने पुलिस अफसर, थानेदार और सिपाहियों की हत्या में उन्होंने सीधे तौर से ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने का काम किया है जो मुझे लगता है कि सरकार के निर्देश पर जनता की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनके मन में भी सरकार के प्रति विश्वास समाप्त हुआ है। रणनीति यही है कि यहाँ पे सीबीआई की जांच मांग रही है, क्योंकि सीबीआई को क्या कर रही थी, दो साल क्या वो लोग चुप थे, कुछ मालूम नहीं था, अगर मालूम था तो क्यों नहीं बताया, ये हादसा नहीं होता हमारे मथुरा में। बड़ी विडंबना है हमारे हिंदुस्तान की, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे राजनेता अपनी सियासत की रोटियां सेकने से बाज बिल्कुल नहीं आते। जहां एक तरफ सरकार अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है तो वहीं पर और अन्य दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले साल यानी कि 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृपाराम शर्मा जी, अगले साल यूपी के अंदर चुनाव है, इसी को देखते हुए आप भी यहां पर वही शोर अख्तियार कर रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला भी सरकार को दबा के कोस रहे हैं, क्या ये राजनीति फायदे की बयानबाजी है? देखिए ये कोइंसिडेंस है कि ये घटना चुनाव के मुहाने पर हुई है, तो इसको आप जोड़ के देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। पूरे देश में लग रहा है कि भाई ये चुनाव नज़दीक हैं इसलिए राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि चुनाव भी नहीं होते तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटती। वहाँ लोम हर्षक हत्याकांड हुआ है, वहाँ लगभग अभी बताया जा रहा 27 लगता है कि 30 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं और दो हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी मारे गए। तो ऐसी घटना पर राजनीतिक दल यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार के फेलियर को सामने नहीं रखेंगे तो हमारा फिर काम क्या है? सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह फेल हुई है और उस अपराधी के नाम के साथ आगे जो टाइटल लगा हुआ था, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लग रहा था कि आने वाले चुनाव में हम ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिससे कि हमारे वोट बैंक पर प्रतिकूल असर पड़े, इसीलिए उसका इतना दुस्साहस हुआ। और वो जब देख रहा था कि भाई यहाँ प्रशासन का रवैया हमारे प्रति कैसा है, तो वो अवैध हथियार, हमारी LIU क्या कर रही थी, आप किसी के घर में देख लें, एक लाइसेंस अलग दूसरा वेपन हो तो LIU की तुरंत रिपोर्ट पहुंच जाती है। वहां इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, दो साल से वहां अवैध कब्जा करे हुए बैठे थे, प्रशासन के लोगों के साथ वो बदतमीजियां कर रहे थे, LIU क्या कर रही थी, उनको पता नहीं था कि वहां क्या जखीरा है।
ये पूरी तरह फेलियर है। संजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल, आप किस रूप में देखते हैं कि वाकई सरकार का फेलियर है, वहां पर राजनीति नहीं हो रही है? देखिए, ये मुद्दा अभी का नहीं है, दो साल पहले ही जब बाबा जी खत्म हुए जय गुरुदेव जी, तभी ये प्रॉपर्टी विवाद के रूप में सामने आ गया था, ठीक है। और चूंकि इसमें दो व्यक्ति, एक ये रामवृक्ष यादव और दूसरे एक और यादव जी हैं जो उनके ड्राइवर थे, उनका नाम क्या पंकज यादव, क्या नाम उनका, पंकज यादव, ये इन दोनों लोगों के बीच में बहुत तमाम उस टाइम पे भी लड़ाई झगड़ा हुआ और वहाँ पर प्रशासन और सब चीज़ों सबकी जानकारी में आया, पूरे जनता के एक एक आदमी के क्या पूरे प्रदेश के जानकारी में ये घटनाक्रम है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें तब ये पता लगा कि वहाँ पर पार्टी का इंटरेस्ट था कि वहाँ पर ये प्रॉपर्टी किसी न किसी तरीके से, चूंकि वो हजारों करोड़ की पार्टी प्रॉपर्टी है, तो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं ये लोग थे, पहले से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें इनका पूरा इंटरेस्ट जवार बाग से क्या मतलब, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी का ही असली गेम है जिसमें प्रॉपर्टी का कब्जा, प्रॉपर्टी इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया, अब ये कहां प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, जो जय गुरुदेव थे वो नहीं रहे। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, क्या ये सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है? 100% सरकार का ही फेलियर है, दो साल से सरकारी फेल है और ये इतनी घटनाएं और हो गई, तमाम व्यापारी मेरे पास शिकायतें हैं। मैं जी ये कहूंगा कि ये सरकार का फेलियर ही नहीं है, बल्कि इस घटना को, ये घटना जो घटित हुई है उसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। मैं कारण बताऊंगा क्यों, हाँ, कि जय गुरुदेव आश्रम पर जो झगड़ा था, उस झगड़े से ध्यान हटाने के लिए इसको यहाँ बसने दिया और फलने और फूलने दिया गया जवाहरबाग में। और इसमें संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, अगर मैं बात करूं इसी साल की, तो हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन देखने को मिला, हाँ। उग्र रूप वहां पर देखने को मिला, कितने ना जाने लोगों की जानें चली गई वहां पर, कितने हजार करोड़ का वहां पर नुकसान हो गया, वो किसका फेलियर था? हरियाणा सरकार का फेलियर नहीं, पूरी तरह फेलियर था वहां तो सरकार नाम की। उससे अलावा, उससे अलावा दूसरा जवाब, बात अगर प्रदेश की कर रहे हैं, दूसरा जवाब करनी है, मैं आपको और बताऊं कि किसका कहां का फेलियर है। एक और सवाल करें फिर हम, एक और सवाल, विषय से भटक रहे हैं आप। नहीं, विषय से नहीं भटक रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश में यहां पर होता है, पुलिस जाती है तो आप बोलते हैं सरकार का फेलियर है। साहब, हरियाणा में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। उससे पहले अगर मैं बात करूं नवंबर 2014 की, तो वहां पर रामपाल के आश्रम पर यही रूप देखने को मिला था, वहां पर इतने सारा भारी तादाद में असला वहां पर निकला था। क्या हरियाणा के अंदर एलआईयू नहीं थी? वहां पर रिपोर्ट नहीं गई थी? वहां का प्रशासन क्या चुस्त नहीं था? क्या वहां पर सरकार रामपाल वाले मैटर पे, रामपाल मैं दोनों में चाहता हूं, क्या वो हरियाणा सरकार का फेलियर नहीं था? रामपाल वाले मैटर पे हरियाणा सरकार का फेलियर नहीं था, वो कांग्रेस सरकार का फेलियर था। कांग्रेस सरकार ने रामपाल को प्रोटेक्ट किया था, इतना हथियार वहां जमा होने के लिए उसको संरक्षण दिया था। बीजेपी सरकार आते ही रामपाल को निस्त्राभूत किया गया, वहां का जो भी ये दुष्कर्म चल रहा था, जो भी ये तांडव चल रहा था, उसको खत्म किया भाजपा। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको कमांडो लगाने पड़े, फोर्स आपको लगानी पड़ी। कांग्रेस सरकार ने आपकी क्या नीति वहां सही थी? कहां थी आपकी सरकार? इतनी जाबांज सरकार कहां थी? जाट आंदोलन ये भी बता दो जाट आंदोलन में, ये भी बता दो संजय जी ये भी बता दो, जाट आंदोलन में आपकी सरकार कैसा काम कर रही थी? जाट आंदोलन में क्या हुआ? आपकी जावा सरकार कहां बैठी थी? ये भी बता दो साथ के साथ, हरियाणा में जो भी बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता था उस टाइम पे वो किया। मान्यवर, यदि वहां सही कार्रवाई होती तो सरकार को पहले दिन ही बर्खास्त किया जाता, वहां सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वहां मां बहनों की इज्जत है सरेआम लूटी गई है। क्या बात कर रहे हो आप? वहां खिलाफ कार्रवाई, वहां शोरूमों को लूटा गया है। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं, आखिरकार हमारे राजनेताओं की भाषा यह क्यों? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी, जांच हो रही है, जांच होगी, जांच का उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करने के बारे में सोचा जाएगा। देखिए, जो हुआ वो भी गलत था, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो भी गलत है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी और सपा में क्या क्या अंतर है? ने पूरे देश में जो बर्बादी की पहले, वो भी गलत है। गलत तो गलत होगा, चाहे हम उसको सही कहें या तो जनता, देश सब देखता है जो गलत है। कांग्रेस का नाम मेरे साथ ही इसलिए जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलने के लिए है नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से। कांग्रेस के खिलाफ क्या सरकार नहीं है, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, कांग्रेस के सर, कांग्रेस तो भीन होती। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं संजय अग्रवाल जी, सपा में और भाजपा में अंतर क्या है? सब कुछ समान है क्या सपा में और भाजपा में? भाजपा स्वच्छता की है, क्या शांति की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो देख भी लिया। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह यादव सरकार चली रही है,
है ना, वो आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे ठीक है। उत्तर प्रदेश में यादव सरकार चल रही है, केंद्र में आप आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि भुजवा सरकार चल रही है, व्यापम घोटाले सुचिता के प्रकरण है, जितने भी ये घोटाले हो रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल के दाम, ये सब सुचिता तो है ही आपकी, भाजपा की सुचिता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अखिलेश, सत्येन जी सबसे बड़ी बात ये बता दें कि किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो राजनीतिक दल अपनी सरकार के फायदे नुकसान और पार्टी के हित में ध्यान में रखते हुए कदम उठाती है, चाहे इसके लिए उसका हित हो, सरकार का हित हो, या उसके लिए पार्टी का हित हो। उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की जाए या हरियाणा सरकार की बात की जाए, भाजपा सरकार हो, सपा सरकार हो, या किसी प्रदेश की कांग्रेस सरकार हो, ठीक है। अखिलेश रोकूंगा। बीएसपी के राज्यसभा सांसद मुनकाद अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनकाद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मथुरा में जो प्रकरण देखने को मिला, किस रूप में देखते हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए सरकार की नाकामी है और जिस तरीके से वहां सब कुछ बवाल हुआ है उसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। मुनकाद अली साहब, अभी बहन मायावती बोल रही थी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश यादव बुंदेलखंड में नहीं होते बल्कि मथुरा जाते, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से वहां पर कौन गया है? आपकी भी वहां पर जिम्मेदारी बनती है साहब, तो मायावती को भी जाना चाहिए था। देखिए अभी वक्त आने दीजिए, वही लखनऊ में है, कोई ना कोई हमारी पार्टी से नुमाइंदा पहुंचेगा जरूर। नहीं, श्रीकांत शर्मा इतना टाइम हो चुका है, आप बोल रहे हैं कि पहुंचेगा अभी, तो वाकई ये बड़ी, श्रीकांत शर्मा गए हैं, मुनकाद अली जी श्रीकांत शर्मा गए हैं। अरे अग्रवाल साहब, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुनकाद अली साहब कोई ना कोई उधर से पहुंच गए होंगे, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचे होंगे, हमारी पार्टी के जिम्मेदार साथ पहुंचे होंगे। और बड़े नेताओं की जहां तक बात है, बड़े नेता अभी बहन जी लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कुछ ना कुछ आदेश हम लोगों को मिलेगा। मैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, चूंकि बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की बनती है, एक बड़ी पार्टी है, इससे पहले आपकी सरकार थी और आने वाले वक्त में ये भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी आपकी सरकार बने। अखिलेश यादव के लिए मायावती जी बोलती हैं कि उनको मथुरा पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको लगता नहीं कि वहां जाना चाहिए था और वहां पर जायजा लेना चाहिए? दूसरा सवाल यह है कि आप इसमें किसका फेलियर मानते हैं, सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, किसका फेलियर आप देखते हैं? सरकार इसकी जिम्मेदार है, प्रशासन ने वहां मौके पर पहुंच के जो कुछ किया है, जो कुछ हुआ है, वो प्रशासन की नहीं बल्कि सरकार की नाकामी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुनकाद अली साहब हमसे बातचीत करने के लिए, अपना मत यहाँ स्टूडियो में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय अग्रवाल वो जिक्र कर रहे हैं अपनी पार्टी का, बीएसपी का, लेकिन बाकी बड़ी बात यह है कि आपके यहां से भी कुछ खास गौर नहीं की जा रही है वहां पर। ये नूरा कुश्ती हो रही है आजकल, आप बोले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस क्या कर रही? आप पहले शांति सुने, हमारा जवाब मांग रहे, हमें बोलने दीजिए जी, बताए, बोलिए बोलिए। देखिए हमारी पार्टी से पूरी गंभीरता से इस प्रकरण पे जनता के साथ है और जो लोग ख़त्म हुए हैं हम उनके साथ हैं, और ये जो आपराधिक कृत्य था ये दोबारा भविष्य में ना हो। किन लोगों के साथ हैं आप, जो जो उपद्रवी की मृत्यु वहां पर हुई है उनके साथ हैं या फिर पुलिस अधिकारियों के साथ हैं? हम पहले पुलिस अधिकारियों के साथ में, क्योंकि ये सरकार का तांडव है, ये सरकार ने पहले अपने उनको संरक्षण दिया, अभी देखिए जिला प्रशासन ने उनको जवाहर बाग में वो सारा सब टीम टाम बनाने का संरक्षण दिया, ये सरकार का फेलियर है। प्रशासन तो बेचारा वहां पर ट्रायल के नाम पर मरवा दिया गया, ट्रायल उनका रिहर्सल के लिए जा रहे हैं, जरा घूम आओ रिहर्सल कराओ वहां पे, अरे वो उसको बेचारे एसपी को और उसको एसएचओ को रिहर्सल कराने भेज रहे हैं, उसके कन पर टीम गोली मार दी, ये क्या है? ये सरकार जो है प्रशासन को मरवा रही है जान से, ये क्या है? ये सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर नहीं है। प्रशासन तो बेचारा गया, उसको जो ऑर्डर दोगे वो तो जिस तरह का ऑर्डर दोगे उसको कहोगे भाई जाओ रिहर्सल करो, वो बेचारा रिहर्सल करने चला गया। ये तो इनको रामबच्चे यादव को मदद करना था तो पहले रिहर्सल करा दिया, वहां उसके साथ में चूंकि आतंकवादी थे इनके साथी, उन्होंने गोली मार दी, ये तो धोखे से उन्होंने ऐसा तंडव करा दिया। अखिलेश आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से संजय अग्रवाल कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर यूपी के अंदर, संजय अग्रवाल साहब आपकी भावनाओं को मैं बढ़ता हूं आगे। अखिलेश जी क्या आपको लगता है, संजय अग्रवाल जो बोल रहे हैं कि यूपी के अंदर यूपी सरकार का संरक्षण प्राप्त
रामवृक्ष यादव को और सरकार ने आदेश मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी जो प्रधान आपने इसको भी लिया था लाइन पे समाजवादी पार्टी के नेता, वो खुद कह रहे हैं कि साहब वहां पर रिहर्सल के लिए भेजा गया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं उन्हीं के बात के ऊपर कह रहा हूँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रधान जी ने अभी मेरे सामने कहा कि साहब ये जो है रिहर्सल के लिए भेजा गया था। संजय अग्रवाल जरा सोचिए, जरा सोचिए, वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, रिहर्सल के लिए भेजा था। आपने हरियाणा के अंदर क्या किया, आपकी पुलिस क्या रिहर्सल कर रही थी वहां पर, आम लोग वहां पर मारे जा रहे थे, आपने आर्मी वहां पर डिप्यूट की हुई थी, उसके बावजूद भी लोगों को मारा जा रहा था, क्या वहां पर आप मॉकड्रिल करा रहे थे, रिहर्सल करा रहे थे, नूरा कस्तू करा रहे थे, शहर करने के लिए भेज रहे थे, आप लोग वहां पर कहां थे उस दिन? वहां पर भी जो जनता मरी है, जो जनता शोषित हुई है, चाहे बलात्कार हुआ हो, सबके लिए मैं भर्सना करता हूं। बस आप भर्सना कर लीजिएगा, जिसका बेटा गया वो बेटा नहीं आएगा, जिसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है वो वापस नहीं लौटेगी। आपने स्टूडियो में बैठ के भर्सना कर दी, जोर जोर से बोल दिया, ऐसे काम नहीं चलता। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले जरा अपनी तरफ भी देखिए, अपने क्या हुआ है, जरा संभालिए अपने हिंदुस्तान को, क्या कुछ हो रहा है। भाटी जी, ये सब आप जो चर्चा कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, लेकिन नूरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुड्डा जी का कराया हुआ हरियाणा के अंदर, आप यूपी की बात कर रहे हैं, था अभी जिसको जिसमें आप बीजेपी को दोषी बनाना चाहते हैं, बोले ये सारा जो है हरियाणा के अंदर जाटों को लेकर के, ये जो सारा कांड कराया गया, बलात्कार कराए गए, इसके पीछे कांग्रेस थी, भाजपा तो बेचारी बचाने की कोशिश कर रही। अब सुनो, अब उत्तर प्रदेश में जवाहरबाग की बात हो रही है, जवाहरबाग में जो घटना, अरे आप कर रहे थे पहले चर्चा, जवाहरबाग संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी ने कोई भी नेता नहीं किया अभी, चलिए साहब ठीक है, हर चीज कांग्रेस का जिम्मेदार है, संजय अग्रवाल ने बोल दिया, सब कुछ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है साहब, ठीक है, कृपया राम जी अपनी बात। जी जी, इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, सरकार फेल हुई है, प्रशासन के दो जाबाज अधिकारी शहीद हो गए, केंद्र की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है, अभी गृह मंत्रालय से एक टीम भेजी जानी चाहिए वहां, और अपनी जांच करा के, और ये देखें कि उसमें प्रदेश सरकार का कहां संरक्षण पर कार्रवाई कर चुके हैं, वहां पर टीम जा चुकी है, मंत्रालय टीम भेज चुकी है, वहां पर टीम गई है, वहां पर जांच चल रही है, लेकिन बड़ी बात यहां पर वही उठती है संजय अग्रवाल जी, वाकई जरा सोचिए आप कि आपके जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो वहां नहीं पहुंच रहे हैं, उनको नहीं पता है, वो अब पहुंचे जब मीडिया ने ट्रायल किया है, उसके बावजूद जरा सोचिए इस बारे में, जवाहरबाग कहां है, मथुरा में है, अखिलेश सिंह अरे जो नहीं पता है वो ठीक है, ठीक है संजय, आश्रम के डीएम आगे रेजिडेंस ऑफिस के बिल्कुल ठीक है संजय, आपने बता दिया, ठीक है अखिलेश सिंह अपनी बात कहें, आपके जनप्रतिनिधि को नहीं मालूम भैया, पहले दिन से लेकर आज तक के प्रदर्शन को देखा जाए तो वहां के जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए दिया था उनको परमिशन, बिल्कुल 2 दिन के बाद धरना खत्म होने के बाद प्रशासन को हटा देना चाहिए था, प्रशासन ने नहीं हटाया। पहली जिम्मेदारी बनती है कि वहां प्रशासन की एक कमी है, उसने क्यों नहीं हटाया, हटाने के पीछे उनकी कोई मंशा थी या फिर उसका राजनीतिक दबाव था, या फिर प्रदेश सरकार की कोई दबाव था, मंशा थी, चलते रहा 2 साल तक लगातार चलता रहा, वहां पर जो भी खेल, जो भी गतिविधियां, जिस तरह के वहां काम चल रहे थे, जिस तरह के अड्डे चल रहे थे, लूटपाट, जिस तरह के भी जो राजनीतिक दल लगा रहे हैं, वो वहां पर जो भी हो रहा था जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आज जितने लोग वहां पर मरे हैं, अधिकारी शहीद हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी अपने सिर कौन लेगा? समाजवादी पार्टी तो ले नहीं रही है, सजा पार्टी ने कहा कि किस तरह फेल हुआ है, उनको मुआवजा दे दिया और उसने अपनी छुट्टी कर ली, ठीक है, उनको सहायता राशि दे दी। अब उन परिवारों से पूछा जाए जिनके घर के लोग मरे हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, अब उनका क्या होगा, उनके आगे क्या होगा, क्या मुआवजे से उनके काम चल जाएगा, बाकी रास्ते क्या होंगे? राजनीतिक दल की बात रही, राजनीतिक दल अब इस समय चुनाव के माहौल को देखते हुए अपना फायदा नुकसान को देखे कि हर पार्टी वहां पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, अब तक सक्रिय क्यों नहीं थी, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल, वाकई बड़ा सवाल यह उठा है कि आखिरकार वहां पर अब जो सभी लोग सक्रिय हुए हैं वो पहले से सक्रिय क्यों नहीं थे? अभी हाल ही में यह बड़ी बात है संजय अग्रवाल जी, फिर से सवाल आपके ऊपर आके खड़ा होता है, आपके बड़े बड़े नेताओं की रैली मथुरा में ऑर्गेनाइज होती है, तमाम आपका जो पूरे राजनीतिक लोग हैं सब लोग वहां पर पहुंचते हैं, आपके अध्यक्ष हो या फिर तमाम लोग हो, लेकिन क्या वाकई ही किसी ने इससे पहले जवाहरबाग की तरफ गौर नहीं किया था? नहीं, क्यों नहीं, वहां पर लोगों ने पहले भी आवाज बीजेपी उठाती चली आ रही है इसके खिलाफ में, इस झगड़े के खिलाफ। आपके तो सांसद को यह भी पता नहीं कि जवाहरबाग मथुरा में है या कहीं मथुरा से बाहर है, आप कह रहे हैं कि वो बराबर उठा रहे थे, एक भी कहां है, कौन कह रहा है इसको पता नहीं है, ये तो अभी अखबार में दिखाइए ना, इसमें कहीं टीवी में कहां पता नहीं है,
अब आपको बताओ भाजपा के श्रीकांत शर्मा के जाने के पीछे वहां मंशा क्या है? गलत आरोप। श्रीकांत शर्मा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वहां पहुंचे हैं, उसके पीछे क्या मंशा है? वो लोकसभा चुनाव से भी पहले वहां दावेदारी ठोकते थे कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, बेशक उनको टिकट नहीं मिला। वो तो अरुण सिंह भी ठोकते थे वहां पे। नहीं नहीं, अरुण सिंह को क्यों नहीं भेजा? नहीं, ये मुझे बहुत गहराई से कि पता है कि वो चुनाव चारी लोग वही पूरी पार्टी में हैं जिनको भेजना पड़ता, चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो अपनी सरजमी और अपनी जमीन तलाशने के लिए लगातार पहुंचे, जबकि वरिष्ठ नेता को जाना चाहिए था, जाना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन लेकिन यहाँ पर कृपा राम जी, सवाल आपके ऊपर भी बड़ा उठता है। आमतौर पर इस तरह का वाक्यांश जब देखा जाता है तो हमेशा आपके युवराज वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन नजर नहीं आए इस पूरे प्रकरण में कहां है युवराज? देखिए जिस तरीके युवराज गायब हो गए, युवराज को लगा कि वहां पे कुछ अभी और बड़े। अग्रवाल जी जवाब लेने दीजिए, कांग्रेस के लोग हैं हमारे साथ में, आप अपनी पार्टी का तो जवाब देते नहीं है सही से। नहीं हम दे रहे पूरा। देखिए इतनी बड़ी घटना घटी और प्रशासन ने अंततः बहुत बड़े नुकसान के बाद वो जवाहर बाग 4 घंटे बाद खाली करा लिया। 12 बजे तक रात को वो सारा खाली हो गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ सुबह सुबह वहां पहुंच गए। अब जहां तक आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, ये प्रशासनिक विफलता का मामला है। वहां 30 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई है और हमारे 2 जांबाज अधिकारी वहां शहीद हुए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंच गए और उन्होंने वो आवाज़ उठाई है, प्रशासन के फेलियर को उजागर भी किया है। जहां तक राहुल जी की बात है वो जरूरी नहीं है कि राहुल जी हर घटना पे ही पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे सबसे पहले, और सबसे पहले पहुंचे किसी भी राजनीतिक दल से पहले यदि कोई वहां किसी पार्टी के नेता पहुंचे तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल दरअसल बिल्कुल जरूरी नहीं है कृपा राम शर्मा जी, मैं तो सिर्फ पुराने इतिहास को जरा याद कर रहा था, जहन में चल रहा था कि दादरी मखलाक का मामला हुआ था तो वहां राहुल गांधी पहुंच गए थे, कन्हैया का मामला हुआ था तो वहां पर राहुल गांधी पहुंच गए थे, उससे पहले घोड़ी बछेड़ा या भट्टा पड़सल हुआ हो, ये इस तरह के जो भी वाक्यांश होते हैं आमतौर पर, तो राहुल गांधी अक्सर आगे रहते हैं, चाहे वो साइकिल चला के जाएं चाहे मोटरसाइकिल पे जाएं, लेकिन यहां पर वो नदारद रहे तो मुझे याद आ गई उनकी बात। आपने जो संज्ञान लिया है राहुल जी का इस घटना में न जाने का, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देश इतना बड़ा है कि बहुत घटनाएं होती हैं। आप उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जहां राहुल जी पहुंच गए, लेकिन ऐसी भी बहुत घटना जहां राहुल जी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन प्रदेश के नेता, संबंधित नेता, हमारी पार्टी के संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता हैं, वो जरूर हर घटना पर। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल क्या है कि राहुल गांधी चाहे वो हैदराबाद पहुंच गए हों तो इस तरह से जो ना सब लोग उनको याद करते हैं कि आखिरकार कहां है, क्योंकि होना जरूरी है कि राजनीति है राजनीति में अगर राजनेता सारे एक साथ इकट्ठे होकर नजर ना आए तो वो अधूरी सी लगती। चलिए बहरहाल आपका शुक्रिया, आप राहुल जी को इतना जिम्मेदार मानते हैं मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वाकई ये राजनीति है और हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, राजनीति करने के लिए जरूर चले जाते हैं, लेकिन यहां पर एक गुजारिश आम जनता से भी मेरी होगी, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर किसी भी टीवी चैनल का कोई एंकर हो, वो कोई भी बात बोलता है, कोई भी आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, आप बिल्कुल उसकी बात मत सुनिए, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अपनी सोच समझ रखिएगा, अपने दिमाग से फैसला लीजिएगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान में ना जाने और भी कितने ऐसे राम वृक्ष हैं जो इस तरह की फौज तैयार कर रहे हैं और अपनी कुछ ऐसी विचारधाराओं को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके नापाक मंसूबे कामयाब हो सकें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको किसी की बात सुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।